हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता किचन्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता, आलू की मसाला पूरी। आलू की मसाला पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 2 से 3 कप आटा। इसमें डाल देंगे आलू। आलू को आप इस तरीके से कद्दूकस कर लें। इन्हें ऐसे ही करते हुए 4 से 5 आलू को कद्दूकस करेंगे। आलू को कद्दूकस करने के बाद यहाँ डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक, यहाँ डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी यहाँ डाल देंगे हल्दी पाउडर। साथ ही जब हम आलू की मसाला पूरी बना रहे हैं तो मसाला डालना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही डाल देंगे 1/2 चम्मच मसाला। मैंने यहाँ सब्जी वाले मसाले का यूज़ किया है। यहाँ डालेंगे 1 पिंच हींग। हींग यहाँ पूरी में अच्छा फ्लेवर लेके आता है। 1/2 चम्मच यहाँ डालेंगे जीरा। साथ ही यहाँ डाल देंगे इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कस्तूरी मेथी। डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल। साथ ही इसे थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ डाल देंगे 1 चम्मच तेल। सब डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें हल्के हाथों से ऐसे ही करते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। ये पूरी बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप सब्जी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे किसी चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। पूरी बच्चे हो या बड़े, सबको बहुत पसंद आता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगा। आप देख सकते हैं हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा पानी डालेंगे और एक हार्ड डो लगा के रेडी करेंगे और ऐसे ही करते हुए हमने अपने आटा को लगा के रेडी कर लिया है। अच्छे से रेडी हो गया तो चलिए इनकी पूरियाँ बना लेते हैं। और पूरियाँ बनाने के लिए छोटे छोटे बॉल तोड़ लेंगे। आप अपने अनुसार थोड़ा सा छोटा या बड़ा भी तोड़ सकते हैं। इन्हें ऐसे ही करते हुए गोल कर लेंगे। पूरियाँ बनाने के लिए हम जब भी आटा गूंथेंगे तो आटा गूंथ के हमें रखना नहीं है, तुरंत इसे बना लेना है। ऐसे ही करते हुए हम सबको बना लेंगे। पूरी प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ कर दिया हमने। यहाँ ले लिया थोड़ा सा तेल और अब पूरियों को अच्छे से बेलेंगे। इन्हें ऐसे करते हुए बेल लेंगे। हमें ऐसे ही करते हुए सारी पूरियों को बेल लेना है। और ऐसे ही करते हुए हमने अपनी पूरियों को यहाँ बेल के रेडी कर लिया। चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए कढ़ाई रख दिया गरम करने के लिए। इसमें डाल देंगे तेल। हमने यहाँ रिफाइंड का यूज़ किया, आप चाहे इसे घी में भी बना सकते हैं। देख सकते हैं तेल अच्छा गरम हो गया। इन्हें चेक कर लेंगे, इन्हें निकाल लेंगे। साथ ही अब इन पूरियों को फ्राई करने के लिए डाल देंगे और डालने के बाद इन्हें हल्के हाथों से इस तरीके से घुमाते रहेंगे। पूरियों को ऐसे ही घुमाते हुए हम फ्राई करेंगे। देख सकते हैं हमारी पूरियाँ अच्छे से फ्राई हो गई। इन्हें निकाल लेंगे और ऐसे ही करते हैं हम सारी पूरियों को अपने फ्राई करेंगे। आलू की मसाला पूरी बनके रेडी हो गया, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बच्चे हो या बड़े सबको बहुत पसंद आता है। आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। ये फटाफट इस गर्मा गर्म पूरियों को सर्व करते हैं। हम इन्हें ऐसे ही करते हुए सर्व करेंगे। तो लीजिए, आलू की मसाला वाली पूरी बनके रेडी हो गया। अगर आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अंकिता किचन्स। मीठी चटनी दही या सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आलू की पूरी आप जब भी बनाते हैं कुछ खास बातों का ध्यान रखें। आलू की पूरी बनाने के लिए आप आलू जब भी बॉयल करते हैं, आलू बॉयल करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। पूरियां बनाने के लिए फ्लेम को स्लो ना करें, इन्हें हाई रहने दें। 1 कप आटे में 1 से 2 आलू का ही यूज़ करें। आटा लगाते समय इसे आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना लगाएं, नहीं तो जब भी आप पूरियों को बेलेंगे आपकी पूरियां टूट जाएंगी और फूलेंगी नहीं, इसलिए आटा लगाते समय आप थोड़ा सा हार्ड आटा लगाएं। तो का आप ध्यान रखेंगे तो परफेक्ट आलू की पूरियां बना के रेडी करेंगे। ये आलू की परफेक्ट मसाला वाली पूरी बनाएं और इंजॉय करें।